गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक रुख ले चुका है। आज रात 8 बजे तट बिपरजॉय के कच्छ की जगहों में जमीन से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने इसे भारी तबाही की चेतावनी दी है। प्रसाद में बिपरजॉय के टकराने से पहले ही स्थिति खराब हो चुकी है। तेज हवाएं भी चल रही हैं, इससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। गुजरात के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखा जा सकता है कि समुद्र की लहरें कितनी ज़्यादा तेज चल रही हैं। कच्छ के मरीन इंजीनियर कुलदीप सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से बिपरजॉय को लेकर क्या तैयारियाँ की गई हैं। अभी भी सिग्नल 10 मेंटेन किया हुआ है और अभी भी जो हमने जो एक्सपेक्ट किया था मॉर्निंग में जब हमारी यह बात हुई थी उस टाइम पे जो एक्सपेक्टेड विंड स्पीड थी वो 80 के आसपास थी, बट अभी इसको देख के लगता है कि आफ्टर फ्यू आवर्स मतलब मे बी 1-2 घंटे बाद में विंड स्पीड 110 जाएगी। किस तरह की प्रिकॉशंस ले सकते हैं अभी? स्पेशली इधर में किसी को अभी आने देने का नहीं है, हम लोगों ने गार्ड लगा दिया है और उसके अलावा किसी भी पेड़ के नीचे या खंबे के नीचे या कोई ऐसी डेंजरस बिल्डिंग है उसके नीचे नहीं खड़ा होना है, ये इम्पोर्टेंट है। लो लाइंग एरिया से हम बताया था कि पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों को रिमूव कर चुका है, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी इंजरी या कैजुअल्टी नहीं रहेगी। गुजरात IMD वैज्ञानिक मनोरमा मोहंती ने भी इस संबंध में जानकारी दी थी। CM साहब वेट कर रहे हैं, मुझे कॉल आया अभी वही वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, अभी वो क्रॉस करने वाला है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इवनिंग का अराउंड इवनिंग आवर्स लाइक 8:30-9 o'clock भी हो सकता है। विंड स्पीड 115-125। अभी इसका जो विंड स्पीड है वो अभी 125-135 गोस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और आज शाम तक ये तट के पास पहुंचेगा और जखाओ के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा और तब इसका विंड स्पीड 115-125 KMPH गोस्टिंग टू 140 KMPH होने का पूर्वानुमान किया गया है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। पहले के मुकाबले क्या इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे हमने पहले बताया था कि आज साइक्लोन थोड़ा सा वीक होने का संभावना था और 125-135 विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सुबह और ऐसे ही हुआ है। थोड़ा सा विंड स्पीड अभी साइक्लोन के सेंटर के आसपास कम हुआ है, मगर फिर ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। जी सर, अगर इस पर एक बार अगर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और ये आगे नॉर्थ ईस्ट दिशा पे सौराष्ट्र कच्छ और एडजिंग पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। मैक्सिमम टीम्स कच्छ में है जहां के सबसे अधिक असर होने की पॉसिबिलिटी है। बड़े शिप्स को हाई सीज में भेज दिया गया है जहां साइक्लोन का असर से बाहर हो। होल्डिंग्स ऑलमोस्ट 4,000 से अधिक निकाल ली गई है ताकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की तरह वो ना बन पाए जब विंड उनको हिट करे और वो उड़े या कहीं नुकसान करें। जो गर्भवती महिलाएं भी हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर किया गया है ताकि स्टॉर्म के दरमियान अगर डिलीवरी होती है तो उसमें कोई तकलीफ ना हो। गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में NDRF की 18 टीमें, STRF की 12 टीमें उस एरिया में तैनात हैं, जिसमें मैक्सिमम टीम्स कच्छ में हैं जहां के सबसे अधिक असर होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके सिवा काफ़ी और डिटेल्ड प्रिपरेशंस की जाती हैं जो गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत डेप्थ में की हैं, जैसे कि तमाम फिशिंग बोट्स को एंकर किया गया है, बड़े शिप्स को हाई सीज में भेज दिया गया है जहां साइक्लोन का असर से बाहर हो। होल्डिंग्स ऑलमोस्ट 4,000 से अधिक निकाल ली गई हैं ताकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की तरह वो ना बन पाए जब विंड उनको हिट करे और वो उड़े या कहीं नुकसान करें। काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है
साल्ट पैन के वर्कर्स जो होते हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है, टू द एक्सटेंट जैसा मुख्य सचिव गुजरात ने बयान किया था एक ब्रीफिंग में कि जो गर्भवती महिलाएं भी हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर किया गया है ताकि स्टॉर्म के दरमियान अगर डिलीवरी होती है तो उसमें कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ साथ हमने और तैयारियां ये की हैं कि कुछ रिजर्व टीम्स एनडीआरएफ की हमारे पास 15 और जगह पे उपलब्ध हैं जिनको हम एयरलिफ्ट करके भेज सकते हैं। हमारे जो अफसर्स हैं, डीआईजी ऑप्स हैं, कंसर्न कमांडेंट हैं बटालियन के, जो 6 बटालियन जो गुजरात का ईओआर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है उनको वहीं भेजा हुआ है कच्छ में, राजकोट में। तो मुझे लगता है कि तमाम सरकारी एजेंसीज की पूरी तैयारी है इससे निपटने के लिए और अब आशा है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हम मिनिमाइज कर पाएंगे। Our ships are ready in the harbors, in the search and rescue and response mode and in the marine pollution response role. They are ready at various places at Mundra, Pipavav, Okha. They are standby. Further, we have kept 23 DRTs, that is the disaster response teams, all across Gujarat. We have our aircrafts. That is, you can see over here, we have kept 4 Dorniers, 1 ALH at Gujarat. We have another 4 Dorniers, 4 Chetaks and 1 ALH at Daman standby. The next course of action is that the process continues. We have been again and again warning the oil handling agencies because with the storm being heavy, there are oil handling agencies in the Gulf of Kutch which might be affected. There are ships which might get grounded and might have oil pollution. So our pollution response teams are also ready. We have 8 stations in Gujarat which are totally standby in response and relief mode. On the shore, the state admin authorities, the NDRF, the SDRF are doing the necessary evacuations. Out at sea, we had warned all the fishermen, we have warned all the merchant mariners to be clear off. In addition, there was a drill platform, Key Singapore, from which we have evacuated 50 people.